लेक्चर फोर के कुछ पार्ट छूट जाने के कारण उसे फिर से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्भावस्था सांडी। गाय का गर्भावस्था 280 से 285 दिन होता है। भैंस की गर्भावस्था 300 से 310 दिन होता है। बकरी का गर्भकाल 151 दिन होता है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन होता है। सुअर का गर्भकाल 154 दिन होता है। पशुओं के प्रमुख रोग खुरपका मुंहपका वायरस से सभी पालतू पशु, पोकनी वायरस से गाय भैंस भेड़ सुअर, गलाघोटू जीवाणु गाय भैंस, गिल्टी रोग जीवाणु गाय भैंस बकरी घोड़ा, लंगड़ा बुखार जीवाणु गाय भैंस, थनैला रोग जीवाणु सभी पालतू पशुओं का थन प्रभावित होता है, निमोनिया जीवाणु गाय भैंस बकरी भेड़। चलिए, ग्रामीण विकास में भूमि प्रारूप प्रादेशिक उत्पादन एवं उद्यान विकास देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शस्य गहनता अथवा फसल गहनता का अर्थ है एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या बारंबारता। दूसरे शब्दों में किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती हैं वह उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। शस्य गहनता सूचांक वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र अपॉन वर्ष में शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। अतः एक वर्ष में जितनी अधिक बार कृषि हेतु भूमि का उपयोग होगा उसकी शस्य गहनता उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान में भारत का शस्य गहनता सूचांक 135% के करीब है। शस्य गहनता प्राकृतिक दशाओं सामाजिक आर्थिक एवं संस्थागत कारकों द्वारा प्रभावित होता है। भूमि प्रारूप को प्रभावित करने वाला कारक प्राकृतिक कारक समाजार्थिक आर्थिक कारक संस्थागत कारक प्राकृतिक कारक पाला या अधिक ठंड की स्थिति में कृषि कार्य संभव नहीं होता है। जहां वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है उस प्रदेश में एक से अधिक बार कृषि की जाती है। ऐसी स्थिति में शस्य गहनता सूचांक का मान अधिक होता है। जहां वर्ष भर कृषि में भूमि में नमी बनी रहती है वैसे प्रदेशों की शस्य गहनता अधिक होती है। समाजार्थिक कारक प्राय शहर से नज़दीक जो भूमि होती है उसकी शस्य गहनता अधिक होती है। फल फूल एवं सब्जी की कृषि शहरी मांग के अनुसार वर्ष में एक से अधिक बार की जाती है। जनसंख्या वृद्धि का दबाव भूमि पर पड़ता है और बढ़ती जनसंख्या के पेट भरने के लिए शस्य गहनता में वृद्धि करना हमारी मजबूरी है। ज्ञातव्य है कि 1950-51 में जहाँ भारत की शस्य गहनता सूचांक 111.1% थी वहीं वर्तमान में 135% के लगभग है। संस्थागत कारक बड़ी जोत की अपेक्षा छोटी जोत के खेतों की शस्य गहनता अधिक होती है जिसका कारण है कि छोटे जोत के कृषक वर्ग पारिवारिक श्रम एवं अन्य लागतों का पूर्ण रूपेण प्रयोग करते हैं। सिंचाई उन्नत बीज उर्वरक एवं मशीनीकरण जैसे संरचनात्मक कारक शस्य गहनता को बढ़ाते हैं। पंजाब में कृषि संबंधित संरचनात्मक एवं संस्थागत सुविधाओं के कारण वहां की शस्य गहनता देश में सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश हरियाणा पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिंचाई शस्य गहनता का मुख्य निर्धारक तत्व है। पंजाब का 94% से अधिक फसलगत क्षेत्र सिंचित है इसलिए वहाँ शस्य गहनता बहुत अधिक है। भूमि सुधार स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए। बिचौलियों का अंत स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया जिससे काश्तकारों को जमीन का स्वामित्व मिला। 1950 से 60 के बीच 260,000 जमींदारों में बिचौलियों की समाप्ति की गई। 20 मिलियन किसानों की काश्तकारी अधिकार एवं 10 मिलियन किसानों को भूमि की मालकियत दी गई। 60 लाख हेक्टेयर जमीन गरीब व भूमिहीन किसानों में बांटी गई। काश्तकारी सुविधा राष्ट्रीय नीति के तहत भूमि पर स्वामित्व उसी का होना चाहिए जो उसे जोत बोए, परंतु इस विषय में सरल कानून न होने से पट्टेदारी एवं बटाईदारी व्यवस्था बड़े पैमाने पर जारी रही।
तृतीय योजना में इसे सख्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में इस दिशा में सर्वाधिक कार्य किए गए। यहाँ बटाईदारी के अधिकार को कानूनी मान्यता है। मालिक यदि जमीन बेचना चाहता है तो खरीदार के रूप में उसे पहली प्राथमिकता बटाईदार को देनी होगी। जमीन का मूल्य स्थानीय राजस्व पदाधिकारी निर्धारित करेगा। यदि बटाईदार जमीन नहीं लेना चाहता है तभी जमीन किसी और को बेची जा सकेगी, लेकिन नया मालिक पुराने बटाईदार को खेती के से बेदखल नहीं कर सकता। कृषि उपज का 10 हिस्सा बटाईदार को मिलेगा, 6 हिस्सा मालिक को मिलेगा। राजस्व नियमन स्वतंत्रता के पूर्व प्रचलित लगान दर कुछ उपज का लगभग 50% था। स्वतंत्रता के बाद पंजाब 33%, हरियाणा 33%, तमिलनाडु 33.5 से 40%, आंध्र प्रदेश 20 से 30% को छोड़कर बाकी राज्यों में लगान की दर 20 से 25% तक निर्धारित थी। चौथी योजना से उपज के रूप में लगान को समाप्त कर नगद लगान लागू किया गया। इसकी दर काफ़ी कम थी। हदबंदी कानून। भारत के करीब 1/4 किसान भूमिहीन है, जबकि कृषि भूमि का 48% भाग केवल 10% कृषकों के पास है। इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने वर्ष 1954 में सभी राज्य को भूमि हदबंदी संबंधित कानून बनाने की के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किए गए। यहाँ कोई भी परिवार अधिक से अधिक 22.7 हेक्टेयर भूमि रख सकता था। अधिशेष भूमि को कवायलियों में बांटा गया। सामाजिक अन्याय की दिशा में यह असार्थक सरकारी पहल थी। चकबंदी। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकार कानून के कारण भूजोत क्रमशः छोटे और विखंडित होते जा रहे हैं। 1980 के दशक में सभी राज्यों में चकबंदी कानून बना, लेकिन इस दिशा में सर्वाधिक कार्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए। देश में कुल 107 मिलियन भूजोतों में 59% का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। 32.2% का आकार 1 से 4 हेक्टेयर के बीच है। 54% आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। 32% का आकार 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में। 72.7% का आकार 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में। 1.6% का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक है। देश में भू जोतों का औसत आकार राजस्थान में सबसे अधिक है, इसके बाद पंजाब का है, केरल में यह न्यूनतम है। कृषि जोत। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। बड़ी जोत में 1.6%, मध्यम जोत में 7.2%, 32.2% छोटी जोत में, 59% सीमांत जोत। भूमि रिकॉर्ड की अद्यतन करना। 1885-86 में भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन बनाने के लिए एक आंदोलन छोड़ा गया। भू स्वामी और काश्तकार को कानूनी मान्यता प्राप्त पास बुक जारी की गई। 8वीं योजना में रिकॉर्डों को कंप्यूटरकृत करने की शुरुआत देश के 102 जिलों में की गई। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8, गंगा यमुना के मैदान में प्रमुख रूप से पाई जाती है जलोढ़ मृदा। नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है क्रमशः खादर बांगर के नाम से। नवीन को खादर और बांगर प्राचीन जलोढ़ को। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है काप कीचड़ बालू से। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्व का। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मथुरा, आगरा आदि जिले में। पश्चिम उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मृदा। रेगुन, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से।
प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका प्रदन वाला नदी क्षेत्र है चंबल नदी क्षेत्र। अवनालिका प्रदन के कारण बनते हैं बीहड़। राज्य में वायु अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा आगरा। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है। अरहर चना अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में। अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी व गाजीपुर। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है रुहेलखंड क्षेत्र। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र गंगा यमुना दोआब व रुहेलखंड है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ है जबकि लंगड़ा आम का वाराणसी है। सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है जबकि स्टॉल आम का मेरठ बागपत। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है जबकि आम का ऐसा केंद्र लखनऊ में है। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़। प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है लेकिन पान के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला बांदा। देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई लखनऊ 1938 में। राज्य में प्रथम तीन जिले में ऑपरेशन फ्लड वन शुरू किया गया वाराणसी मेरठ बलिया 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई 1976 में। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु 1999 में स्थापित की गई उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की। कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला। खाद्यान्न में प्रथम स्थान, गेहूं में प्रथम स्थान, गन्ना में प्रथम स्थान, पशुधन में प्रथम, दुग्ध में प्रथम स्थान, आलू में प्रथम स्थान। दालों में द्वितीय स्थान है, धान में द्वितीय स्थान है और सब्जियों में द्वितीय स्थान है। मक्का में सातवां स्थान है। कपास में और मूंगफली में गुजरात पहले स्थान पर है। कॉफ़ी में कर्नाटक पहले स्थान पर है। मक्का में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल मसाला में भी आंध्र प्रदेश है। मक्का आंध्र प्रदेश। सब्जियों में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है। धान में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है और एमपी दालों में पहले नंबर पे है। सोयाबीन लहसुन और अमरूद में भी एमपी पहले नंबर पे है। सूरजमुखी कर्नाटक में, केला तमिलनाडु में, केला और नारियल। अंगूर महाराष्ट्र, काजू महाराष्ट्र में। उद्यान विकास शीतोष्ण समशीतोष्ण उष्ण जलवायु में पैदा होने वाले फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सारे भारत में अग्रणी है। प्रदेश के मैदानी भागों में आम अमरूद पपीता अंगूर बेर केला अनानास और नींबू आदि फलों का उत्पादन होता है इसमें आम अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। शीतोष्ण फलों जैसे सेब नाशपाती आड़ू खुबानी स्ट्रॉबेरी चेरी अखरोट बादाम आदि के उत्पादन के लिए भी यह राज्य विशेष उपयुक्त है। प्रमुख फल केला। उत्तर प्रदेश में वाराणसी इलाहाबाद और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला पैदा किया जाता है। प्रदेश में केले की कृषि हेतु उपजाऊ भूमि अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मालभोग चीनी चंपा अल्फान अधेश्वर दुग्धसागर और सब्जी किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। आम उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ बरेली मेरठ गाजियाबाद कानपुर सहारनपुर हरदोई आदि जिलों में आम पैदा होता है। दशहरी लंगड़ा सफेदा
लखनऊ सफ़ेदा और मलिहाबादी आम की विख्यात किस्में हैं। अमरूद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद जिलों में अमरूद पैदा होता है। सफ़ेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद, सफ़ेदा, धौलंका, लखनऊ आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। संतरा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा पैदा किया जाता है। यहाँ पर देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है। माल्टा, उत्तर प्रदेश में मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादित होता है। मौसमी, ब्लड रेड आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। नींबू, उत्तर प्रदेश सहारनपुर मेरठ जिलों और पूर्वी प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में नींबू पैदा होती है। लीची, सहारनपुर और मेरठ जिलों में लीची पैदा होती है। सप्तालू, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों में लखनऊ में सप्तालू पैदा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उद्यान विकास के कार्यक्रमों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। ये कार्यक्रम केवल राजकीय उद्यानों के रख रखाव तक ही सीमित थे। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात उद्यान विकास कार्य करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। एक उद्यान और एवं फल उद्योग उपयोग निदेशालय की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई। परिणामस्वरूप प्रदेश में फल, साग, सब्जी और आलू के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।